साथ जीके के साथ आएगा। ओके सर। ते तुम मेरे साथ चलो। थैंक यू सर। हे शुगर और ते वहाँ से निकल जाते हैं। यार शेहूक अभी तक नहीं आया। तू बड़ी बेताब हो रही है। चले तभी इन लोगों के लिए अच्छा है। पागल है वो लोग जो लोग मुझे हार्टलेस कहता है ना यंजुन? ये सर। वैसे मनी तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है, मतलब माफियाज के हिसाब से प्यार क्या होता है? मुझे दूसरों का तो नहीं पता, पर मेरे लिए प्यार का दूसरा नाम त्याग है। और सच मानो अगर प्यार का दूसरा नाम त्याग है तो प्यार बहुत खूबसूरत है। ये जेके सर का कौन सा रूप देख रहा हूँ मैं? वैसे युनजुन तुम भी एक माफिया हो, तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है? क्या प्यार? मेरे हिसाब से प्यार? वैसे मुझे कुछ ज्यादा प्यार के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज को देख के सुकून मिलता है और इसे ही प्यार कहते हैं तो तुम खून को कह सकते हो और जेके सर को भी कह ही सकते हो। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। युनजुन ब्रो मुझे तुम्हारा आंसर पसंद आया। बनी ब्रो तुम्हारा आंसर मुझे पसंद आया। वैसे तुम लोगों के हिसाब से प्यार क्या है? आई मीन नॉर्मल लोगों के हिसाब से प्यार क्या है? मेरे हिसाब से तो प्यार का मतलब खाना। मेरे हिसाब से तो प्यार का मतलब होप। होप? नॉट जे होप, आई मीन होप। ओह अच्छा अच्छा। अगर यूनियन के हिसाब से प्यार का मतलब खून है तो मैं प्यार से दूर ही रहना चाहूँगा। मेरे हिसाब से प्यार का कोई मतलब नहीं है, जो बिना मतलब के हो वही प्यार। वेल मेरे हिसाब से तो प्यार का मतलब बीटीएस, और आपके हिसाब से आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तुम्हारा सब डाउट क्लियर हुआ कि और कुछ बाकी है? वो सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल नहीं रहा है। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ बुक्स देता हूँ, उनमें ही तुम्हें सब आंसर्स मिल जाएंगे। ओके सर। ते एग्जाम सामने है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो, और अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बताना। हाँ सर, और थैंक यू मुझे इतना हेल्प करने के लिए। इट्स ओके ते, मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, इस बार एग्जाम में भी तुम मुझे प्राउड फील करवाओगी। हाँ सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। वैसे सर क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? पर्सनल? ओके पूछो। व्हाट इज लव सर? लव, अगर तुम ना चाहते हुए भी किसी की तरफ खींची चली जाओ और चाहते हुए भी तुम उससे दूर ना जा पाओ, आई थिंक इसे ही लव कहते हैं। और प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए किसी वर्ड की जरूरत नहीं होता है। लव गॉड का क्रिएट किया हुआ सबसे मुश्किल और ब्यूटीफुल फीलिंग है। तुम लव को तब तक नहीं समझ सकती जब तक तुमने खुद उसे फील ना किया हो। सर तो क्या आप भी किसी के प्यार में हो? ओके तुम अभी जा सकती हो, मुझे थोड़ा काम है। ओके थैंक यू सर, बाय। और कितना टाइम लगेगा तेरे के आने में? रुक जाओ रोमियो, इतनी भी क्या जल्दी, कॉलेज टॉपर से प्यार किया है, कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे आज सब इतनी जल्दी में क्यों है? रुक जा अभी किसी से पूछता हूँ। ए इधर आ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, क्या कुछ काम था आप लोगों को? तुम सब इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हो? वो सर हमें भी बताओ, हमें भी जानना है। वो सब वो जल्दी से बोल, हमारे पास फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं है। वो हमारे कॉलेज के एक सीनियर त्यांग को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज। व्हाट द हेल, कहाँ है वो लोग, जल्दी से बताओ।
कॉलेज कैंपस में। फिर सब लोग भाग के कैंपस की तरफ जाते हैं। So, Kim Taeyang, will you be my wife? No, I will not. और तुम यहाँ से जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। No, Taeyang, I really love you so much. Please accept my love. देखो सब लोग यहाँ है, प्लीज संकेत मत करो, यहाँ से जाओ और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज मुझे एक चांस तो दो, प्लीज Taeyang, I can do whatever you want. तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ सकता हूँ। Is that so? पर मुझे नहीं चाहिए, मैं engaged हूँ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं ये करना तो नहीं चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे टच मत करना। ओह रियली बेबी? और अगर टच किया तो? तुम्हें पता नहीं है मैं किसकी फियांसे हूँ। आई डोंट केयर, पर आज के बाद तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करोगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। पर आज के बाद करूँगी बेबी। दरवाजा खोलो गाइस, जल्दी दरवाजा तोड़ो।